अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या खासतौर पर कश्मीर संभाग में बहुत ज्यादा है। अब लॉकडाउन लागू है, लॉकडाउन के नियमों का जो पालन है वो पूरी तरीके से कराया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। ऐसे में रोजेदारों को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पुख्ता प्रबंध किए हैं, चाहे अग्रिम राशन देने की बात हो, चाहे गैस के जो सिलेंडर है वो देने की बात हो, अग्रिम रूप से और भी राहतें देने की बात हो, प्रशासन ने बहुत तरीके से प्रबंध किए हैं। कॉल सेंटर भी बनाया है कि आप अपनी जो भी शिकायत है वहां पर बता सकते हैं, कोई किसी प्रकार की मदद चाहिए तो वो बता सकते हैं, नोडल ऑफिसर उसकी पुष्टि करता है, उसके बाद उसको वो मदद मिल जाती है। लेकिन लोग जो खासतौर पर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और लोग अपने निजी स्तर पर भी बहुत सारी जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे ही आज हम आपको एक कहानी में दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो स्वयंसेवी संस्था है वो जो कि हमेशा आपदा के समय कश्मीरियों की मदद करती है, जरूरतमंदों की मदद करती है, और आप देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि कोई भूखा ना रहे, किसी जरूरतमंद को अगर उसने रिक्वेस्ट कर दी है, अगर उसने आग्रह कर दिया है कि उसके पास राशन नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको तुरंत मदद दी जाती है। और ये जो मदद है ये ऐसा नहीं है कि आपको आज का भोजन दे दिया जा रहा है या एक टाइम का भोजन दे दिया जा रहा है, पूरे परिवार के लिए लगभग 2.5 महीने का ये राशन ये लोग दे रहे हैं, जो कि ऐसी आपदा के समय में एक बहुत बड़ी मदद है। और इससे बढ़कर मानव कल्याण कुछ हो नहीं सकता कि आप किसी की ऐसे जरूरतमंद की व्यक्ति की मदद कर दें जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, और परिवार की पूरे परिवार की मदद की जा रही है। 2.5 महीने का राशन अपने आप एक बड़ी बात है, कोई निजी स्तर पर दे रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो हमारे एनजीओ है ये लोग मदद कर रहे हैं, क्या कहना है अपने इस अभियान के बारे में इन सभी का। अभी तक हमने दो फेज हमने कवर कर चुके हैं, हमने 2500 किट दिए हुए हैं अभी तक पूरे जितने भी कश्मीर जोन है पूरे में, हम हर जगह गए हैं जी। तो क्या क्या आप देते हैं इसमें? जी, इसमें हम देते हैं 5 किलो का तेल देते हैं, चाय देते हैं, चीनी देते हैं, हल्दी, मिर्ची, आटा, जितना भी ग्रोसरी आइटम्स है सब देते हैं। कम से कम अगर हम एक फैमिली को देंगे तो ये कम से कम 2.5 महीने का किट है, यानी कि आराम से इसमें 6 या 7 फैमिली मेंबर्स जितने के 2.5 महीने तक के पहुंचे उनको ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किन लोगों को आपको मदद करनी है? देखिए, हम कैसे करते हैं ये आइडेंटिफाई, जैसे हम पहले देखते भी हैं, हम अपने कुछ इलाकों में हम जो हमारे आदमी हैं वहाँ वो वेरीफाई करते हैं, तो वो हमें बताते हैं जेन्युइन केस है ये, तो इनको देना चाहिए। और हम ये भी करते हैं, अगर आप 5 मिनट के लिए आप आ गए हमारे पास तो हम आप हमें जानते हो, तो ये नहीं है हम आपको ना नहीं कर सकते, क्यों, ये अल्लाह और आपके बीच में है। तो इस तरीके से हम देते हैं, क्योंकि हम किसी को ना नहीं कर सकते यहाँ, हर कोई कौन आजकल के दौर में इस COVID-19 में कौन गलत कर सकता है, वो तो कोई नहीं कर सकता ना, सबको अल्लाह अल्लाह करना होता है। चूंकि जैसे ही किसी कौम पर कोई आफत आती है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों की खिदमत करें। जैसा कि आपको पता है कि एसआर और बटमोलो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ शाना बशाना चला है, वो चाहे 2014 का सैलाब हो या 2016 की हालात ख़राब जो यहाँ पर थी, उस वक्त भी हम बिल्कुल तैयार थे। तो इस बार तो हम पर ये जो आफत आई तो हम पर ऑब्वियसली हम पर एक आफत आते ही हम पर ये फ़र्ज़ बना कि वी शुड सर्व आवर पीपल। सो हमने स्टार्ट किया एक इनिशिएटिव थ्रू सोशल नेटवर्किंग कि हमें अपने लोगों को सर्व करना चाहिए। इन द मीन टाइम हमने अपना कैंपेन स्टार्ट किया, जो भी आप देख रहे हैं या आपने ऑब्जर्व किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी कोशिश है जिसमें हम अपने लोगों को ए काइंड ऑफ हीलिंग टच प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ SRO के साथ तो हम वॉलेंटियरली बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब मेरा यहाँ पर एक्चुअली फ्रेंड था तो उसके ज़रिए मुझे SRO का पता चला, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था, फिर उसके ज़रिए मैं SRO के साथ मतलब मैं आया एक बार यहाँ पर, तो उसके बाद मुझे पता चला ये क्या काम करते, कैसे काम करते, कैसा होता है इनका काम। तो उसके बाद से मानो आप 10th क्लास में मैं तब पढ़ता था और अभी मेरा फाइनल ईयर है BTech का, तो अभी तक मैं इनके साथ जब भी टाइम मिलता है वॉलेंटियरली अपना टाइम मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ। तो कोरोना वायरस भी चल रहा है तो उसमें आप फ्रंट लाइन पे हो, तो ये जैसे कि अभी ये
ये माहौल है सभी जगह, मतलब कि कोरोना वायरस से लोग डरते हैं घरों से बाहर निकलने में, तो इस वजह से कारोबार भी लोगों का बंद है। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारे इन SRO के हेड ने क्या किया कि इन्होंने ये जो इनिशिएटिव उठाया कि हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब इन गरीबों के लिए जिनके पास मतलब खाने के लिए कुछ ना हो, तो फिर हमने देखा कि इनको बहुत अभी मैन पावर की ज़रूरत है, तो हमने अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व इसमें किया जो भी वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं अपने फ्री विल से। ये नहीं कि हमने किसी को फोर्स किया नहीं आप आओ या किसी को हम पे करें, अपना टाइम जिसके पास जितना टाइम होता है, एक घंटा हो, दो दिन हो, हफ्ता हो, जितना हो, वो आते टाइम अपना स्पेंड यहाँ पर करते तो काम चल जाता हमारा भी और उनका भी। मैं जो भी मेरा टाइम होता है फ्री टाइम उसमें मैं ये काम करता हूँ। अब मेरे दोस्त से अब जो ये कोरोना वायरस हो गया रिसेंटली, ये मतलब पैंडेमिक हो गया, उसकी वजह से हमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत थी, तो मेरे दोस्त वगैरह थे, मैंने उनको बोला ये ज्वाइन करो आखिरत के लिए है, अपना इन्वेस्ट टाइम करो इसमें, ये आखिरत में बका रहेगा। तो हमने स्टार्ट किया ऐसे ही काम। इस वक्त हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, ऐसे ही हम डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जी। हमारी सर एक मेल है जिस पे हम कोरोना वायरस एक पेज चल रहा है उसी पे हमने मेल दी है कोरोना वायरस वॉच जे के, उस पे हमें मेल आती है, फिर हम बैतुल माल से वेरीफाई करते हैं। हमारे 150 बैतुल माल है, उनमें वेरीफाई कराते हैं कि ये सच है, मतलब इनने मतलब लिया है उन बैतुल माल से। अगर नहीं लिया होगा तो फिर हम उनको डिलीवर करते हैं फूड, अगर उनसे लिया होगा तो उनको फूड डिलीवर नहीं होता है। यही प्रोसीजर है इसका।